बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो यूनिट नंबर 3 है आपका, क्योंकि देखिए इससे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है वो आता ही आता है हर बार एग्जामिनेशन में। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है उसमें मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर एक बार नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिया ना तो वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कंट्यूर के बारे में है, यहाँ पे हो सकता है आपको फिगर दिखाई ना दे, लेकिन अगर आप PDF को एक्सेस कर लेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा पेंसिल से स्केचिंग उसको किया गया है तो थोड़ा सा आपको धुंधला दिख सकता है, क्लियर। और इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, लगभग 1 साल पहले का वो वीडियो अपलोडेड है हमारे इस चैनल पे, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप उन चीज़ों को देख के इजीली उसको समझ सकते हैं। और कंट्यूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इवन जितने भी यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को अगर आप एक बार दो बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना तो आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा एग्जामिनेशन में, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो मैं बारी बारी से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, हेल्पफुल लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग इस चीज का फायदा उठा सके। और अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को। और जो भी PDF रिसोर्सेज हैं अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ के जो भी मीडिया वगैरह है मीडिया के टर्म में जाके वहाँ पे PDF का प्रोसीजर देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे PDF का प्रोसीजर आप जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके सामने मौजूद है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको बेसिकली इस प्रकार का डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम बना के आपको सॉल्व करना होगा। तो इस सारी चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर वीडियो बना रखा है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के नाम से वो प्लेलिस्ट तैयार है ऑलरेडी, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ताकि कम से कम इतना क्वेश्चन आप करके जाइए, ताकि एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकें। अदरवाइज आपको तो सिलेबस पूरा पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंतजार करते हैं, बेसिकली उनके लिए है कि कम से कम पेपर उनका क्लियर हो सके, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, ये सारे जो रूल होते हैं उनका क्लियर होना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है, तो आप इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और ये 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बेसिक सिविल से पूछेगा तो वो यूनिट नंबर 3 से ही ज़्यादा पूछता है, और बाकी तो आपका मैकेनिक्स का पार्ट जो है 4th और 5th उससे तो पूछता ही पूछता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इजली इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं और इजली समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, 8 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, और वीडियो क्वालिटी को भी आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर दिखें। और ये सारी चीज़ें हैं, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।